आज हम सहरी के लिए बनाएंगे चिकन वाले पराठे। बहुत ही यूनिक रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने आधा किलो चिकन लिया, इसको एक चम्मच सिरका और एक चम्मच सोया सॉस के डाल के मैंने इसको बॉयल कर लिया। अब हम इसमें जो मसाले डालेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। ये देखो, एक चम्मच भर के मैंने लिया कुटा हुआ धनिया, आधा चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च पाउडर, एक चम्मच दादड़ मिर्च, एक छोटा चम्मच नमक, एक छोटा चम्मच दादड़ किया हुआ ज़ीरा मोटा मोटा कुटा हुआ, और एक चम्मच चाट मसाला। ये सब मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे, और साथ ही इसके अंदर ये एक लेमन लेके इसको मैंने दो पीस कर लिए, इसका जूस डाल देंगे। सारे मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसे मिक्स करते हैं। ये देखें, चिकन में सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब सब्जियों में मैंने लिया है मोटा मोटा कटा हुआ धनिया, पुदीना, सब्ज मिर्च और ये कटा हुआ प्याज। ये इस तरह काटना है, लंबा लंबा प्याज को इस तरह काटना है। ये भी सब चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, ये मैंने चटनी बनाई थी, ये पहले भी मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। इसकी रेसिपी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। अब इसका एक चम्मच भर के ये मैं डालूँगी। आपको फिर बता देती हूँ, इसके अंदर मैंने इमली, ज़ीरा, पुदीना, धनिया और सुरख मिर्च नमक डाल के इसको पीस लिया था। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह मिक्स करते हैं। इसके पराठे बहुत ही मज़े के बनते हैं, चिकन वाले पराठे। ये सहरी में बनाने की रेसिपी है, सहरी में बहुत ही मज़े के लगते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप रात को ये सारा मेज़ा तैयार करके रख लें और सहरी वक्त बना लें। आटा हमने वही वाला लेना है जो हम घर में आटा गूंथते हैं, ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा पतला हो। तो चलें अब चलते हैं चूल्हे की तरफ, ताकि आपको पराठे बनाना सिखाऊं कि पराठे इसके कैसे बनते हैं। इसके साथ सब्ज़ चटनी, धनिया और पुदीने की सब्ज़ चटनी दही के रायते के साथ बहुत ही मज़ा आएगा। अब हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने दो पेड़े किए छोटे छोटे इस साइज़ के। अब हम इसे बेलते हैं। मैं ये दो पेड़ों वाला पराठा बनाऊंगी। ये इतनी सी रोटी बेलने के बाद मैंने इसके ऊपर ये चिकन वाला मेज़ा डाल दिया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकती हैं, जितना आप खाना पसंद करें। अब हम ये दूसरे वाला ऐसे रख देंगे और इसके किनारे उंगलियों की मदद से ऐसे ऐसे बंद कर देंगे। अब हम इसको मज़ीद बड़ा करते हैं बेल कर। ये देखें, अब इसके नीचे मैंने ये सूखा आटा थोड़ा सा डाल दिया और अब ये रोटी जो है फिर रख दी ऊपर। अब हम इसको मज़ीद बेलेंगे, थोड़ा सा ऊपर आटा डालेंगे। अब हम इसे बेलते हैं। ये पराठा मैंने बेल लिया, अब हम इसे तवे के ऊपर डालते हैं। ऐसे उठाना है, यूँ हाथ पे ऐसे डाल लेना। ये चूल्हे के ऊपर मैंने तवा गर्म करने के लिए रखा हुआ था, ये तकरीबन गर्म हो चुका है। अब मैं ये रोटी इसके ऊपर डाल दी। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। अगर आप बहुत ही क्रिस्पी पराठा खाना पसंद करती हैं तो फिर ये जो घी है ये ज़्यादा डालना है। अब इसे उठा के आहिस्ता से यूँ पलट देना, ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। ये मैंने वाइट आटा लिया है, आप ब्राउन आटा भी ले सकती हैं, जो हम रेगुलर घर में गूंथते हैं उससे भी बना सकते हैं। पराठा हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं चूल्हे को बंद करती हूँ। अब इसको ऐसे खड़ा कर देना यूँ करके ऐसे, ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह रिमूव हो जाए।
तो ये देखें कितना मज़े का पराठा बना है। ये सहरी के वक्त बहुत ही अच्छा लगता है, हल्का फुल्का होता है। आप इसे दही की चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ खाएं। आप भी बनाएं, ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएंगे। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।